NMMS परीक्षा 19 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ था राजस्थान में, उनकी ये आंसर की आपके सामने है। आपका जो पेपर हुआ था वो मेट और सेट के 180 प्रश्न आपके पूछे गए थे। इसमें से आपके सेट के 90 प्रश्न आए थे। सेट में आपके 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के थे, 35 आपके विज्ञान के और 20 प्रश्न आपके गणित के थे। तो इस वीडियो में आपको जो विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे गए थे, उन 35 ही प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बाकी मैंने पूरा पेपर पहले ही अपलोड कर रखा है। सारे वीडियो आपको गणित का देखना हो, सामाजिक का देखना हो, मेंटल एबिलिटी का देखना हो, तो सारे वीडियो के लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहाँ पर क्लिक करके सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं, आपको विज्ञान के जो प्रश्न पूछे गए थे 35, उन सभी 35 प्रश्नों के आंसर आपको इस वीडियो में बता देते हैं। आपको कमेंट करना है कि आपकी इस परीक्षा में कुल कितने नंबर आ रहे हैं 180 में से, और आपके विज्ञान के 35 में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। एक आपका जिला कौन सा है, और आपकी कैटेगरी OBC, जनरल, SC ST या फिर हैंडीकेप, और आपके कितने मार्क्स प्राप्त हो रहे हैं 180 में से, वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और मैंने एक वीडियो अपलोड भी कर रखा है कि आपके कितने नंबर होने पर जिलेवार कट ऑफ मैंने डाल रखी है, वो वीडियो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो अब आपके जो विज्ञान के 35 प्रश्न पूछे गए थे उसके लिए आप जो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। तो प्रश्न संख्या 35 से लगाकर आगे जो 36 से लगाकर आगे तक के जो क्वेश्चन हैं, 70 तक के क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन आपके विज्ञान के पूछे गए थे। तो विज्ञान का पहला प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया था कि निम्न में से कीट बक्षी पादप नहीं है। तो मैंने कितनी बार आपको ये प्रश्न करवाया था कि अमरबेल जो है वो परजीवी पादप होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके अमरबेल। अमरबेल जो है वो आपके परजीवी पादप है, ये कीट बक्षी पादप नहीं है। मधुमक्खी और मरमर पक्षी भोजन अंतर्ग्रहण की विधि क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके चूसना। निम्न में से भेड़ों की भारतीय नस्ल नहीं है, तो इसमें जो एल्पका है वो आपके भारतीय नस्ल नहीं है, बाकी बाखरवाल है और पाटनवाड़ा है और ये लोही है, ये तीनों ही तो हैं लेकिन ये एल्पका नहीं है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना डिग्री होता है, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सफ़ेद कपड़े पर लगा हल्दी का दाग साबुन से धोने पर लाल क्यों हो जाता है, तो इसका कारण ये है कि साबुन का जो विलयन होता है उसकी प्रकृति क्षारकीय होती है, तो क्षारकीय होने के कारण ये जो रंग है वो लाल हो जाता है। इसका उत्तर होएगा आपके फर्स्ट ऑप्शन, साबुन की विलयन क्षार की प्रकृति का होता है। क्रिस्टलीकरण उदाहरण है, तो ये आपके भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्रिस्टलीकरण भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, ध्रुवीय बालू के अनुकूलन नहीं पाए जाते हैं, तो ध्रुवीय बालू में शरीर पर सफ़ेद बाल तो होते हैं, ये तो अनुकूलन में होता है। त्वचा के नीचे मोटी वसा की मोटी परत उपस्थित होती है, ये भी होता है। नाखून का बड़ा होना और नीचे की और मूढ़ा होना, ये नहीं होता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके तीसरा ऑप्शन। बाकी शरीर पर धारा रेखित होती है, ये भी होता है। अगला प्रश्न है 43वां प्रश्न पूछा गया था कि पवन का वेग बढ़ने से वायु का दाब हो जाता है, तो पवन का वेग जब बढ़ता है तो वायु का जो दाब है वो कम हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा आपके कम हो जाता है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लेना। आपके अर्धवार्षिक बोर्ड एग्जाम इन सभी के जो पेपर है वो आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे, मॉडल पेपर, तो आप उसको लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऐप को डाउनलोड कर लेना। और 8वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पर आपके सारे जो PDF वगैरह है वो आपको 8वीं क्लास के जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें भी अपलोड की जाती है। अगला प्रश्न है फिर आपके, किस प्रकार की मृदा का उपयोग बर्तन, खिलौने और मूर्तियां बनाने में किया जाता है, तो जो मृणमयी मृदा होती है, मृणमयी मृदा, इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन विखंडित हो सकता है, यह प्रक्रम किसका उदाहरण है, तो यह प्रक्रम अवायवीय श्वसन का उदाहरण है, इसका उत्तर हो जाएगा आपके दूसरा ऑप्शन, अवायवीय प्रक्रम। मानव रक्त का परिसंचरण तंत्र में धमनी और शिरा का रंग होता है, तो धमनी जो होती है वो लाल रंग की होती है और शिरा नीले रंग की होती है। अगला प्रश्न है, पादप में जनन अंग कौन सा होता है, तो पादप में जनन अंग होता है पुष्प, फूल जो होता है फ्लावर, वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पुष्प। चाल ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटा समय, तो तय की गई दूरी बटा लिया गया कुल समय, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर आपके, विद्युत बल्ब का प्रतीक है, विद्युत बल्ब का प्रतीक है, ये तीसरा ऑप्शन दे रखा है, इस प्रकार की जो आकृति है वो विद्युत बल्ब का प्रतीक है, ठीक है, ये विद्युत बल्ब का प्रतीक होता है। अगला प्रश्न है फिर आपके, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित युक्ति नहीं है, तो इसमें जो LED लाइट है वो विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होती है, बाकी हॉट प्लेट होती है, गीजर होता है, विद्युत केतली होती है, प्रेस होती है, ये सभी विद्युत धारा के जो हीटिंग इफेक्ट पर आधारित होते हैं। निम्न में से खरपतवार नाशी हैं, तो यूरिया, NPK और फास्फेट, ये तो आपके खाद हैं, जबकि 2,4-D जो दे रखा है वो आपका
खरपतवार नाशी है। कृषि हेतु मिट्टी को भुरभुरा बनाने हेतु लाया जाने वाला औजार कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कल्टीवेटर, जिसको हम टीलर कहते हैं वो कल्टीवेटर कहलाता है। मलेरिया का रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके प्रोटोजोवा। मलेरिया जो फैलता है वो मादा एनाफिलिस मच्छर के कारण फैलता है। दूध से दही बनने में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं, तो वो लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। स्वच्छ ईंधन का उदाहरण बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके सीएनजी। सीएनजी जो है वो आपके स्वच्छ ईंधन का उदाहरण है। अच्छा, सीएनजी का पूरा नाम क्या है कमेंट करके बताना, और एलपीजी का पूरा नाम भी आपको कमेंट करके बताना है। कोयले से प्राप्त उत्पाद क्या है, तो कोक जो होता है वो कोयले से प्राप्त उत्पाद होता है। निम्न में से दहाई पदार्थ नहीं है, जो जलने वाला पदार्थ नहीं है वो कौन सा है, तो मैग्नीशियम जलता है, कास्ट कोयला भी जलता है, माचिस की तीली भी जलती है, लेकिन कांच नहीं जलता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके कांच। अगला प्रश्न है फिर आपके, अग्निशमन हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 101। अगर आपको आग बुझाने की गाड़ी बुलानी है, फायर ब्रिगेड, तो आपको डायल करना होगा 101। तो आपको बताना है कि ये 108 ये किसकी हेल्पलाइन नंबर है, और ये 1098 ये किसकी हेल्पलाइन नंबर है, दोनों कमेंट करके बताना। वनोन्मूलन प्राकृतिक कारण क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दावानल फॉरेस्ट फायर। वन्य जीवन और आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र क्या कहलाते हैं, तो उसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा परिवर्तन यौवना आरंभ यानी कि प्यूबर्टी के दौरान, इनकी किशोरावस्था के दौरान नहीं होता है, तो रज्जोनिवृत्ति नहीं होती है, बाकी सभी होते हैं। शारीरिक लंबाई में वृद्धि भी होती है, गौण लैंगिक गुणों का विकास भी होता है, और रज्जोदर्शन भी होता है। तो ये रज्जोनिवृत्ति ये 45 से 50 वर्ष की उम्र में होता है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कई बार वीडियो के दौरान भी पूछा था, और आपने कई बच्चों ने इसका उत्तर भी दिया था, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे विशाल अंडा कहलाता है। अगला प्रश्न फिर आपके, इसमें से किस जंतु का अंडा सबसे विशाल होता है, जिसका उत्तर हो जाएगा आपके शुतुरमुर्ग। निम्न में से घर्षण बल कौन सा है, तो घर्षण बल जो है वो आपके संपर्क बल कौन सा है, तो संपर्क बल का जो उदाहरण है वो घर्षण बल है, जबकि चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल ये असंपर्क बल कहलाते हैं। रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करने वाली ग्रंथि का नाम है एड्रिनल ग्रंथि। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको जो अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। अगला प्रश्न है फिर आपके, इसमें कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण क्या होता है, तो घर्षण कम हो जाता है। घर्षण को कम करने के लिए कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़का जाता है। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशाओं में बल लगने वाला बल बराबर हो, तो उस पर लगने वाला नेट बल का मान क्या होता है, तो दोनों के अंतर के बराबर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों बलों के अंतर के बराबर। किस माध्यम में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता है, तो निर्वात में ध्वनि संचरित नहीं हो सकती है। घर्षण को कम करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके हाथों पर मिट्टी को रगड़ना, ये इसका उपयोग नहीं करते, बाकी ग्रीस का, ग्रेफाइट का, स्नेक तेल का उपयोग करते हैं। किसमें मुकुलन द्वारा जनन होता है, तो ये हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा जनन होता है। किसी वस्तु का कंपन का आयाम डबल कर देने, दुगुना कर देने से उसकी ध्वनि की प्रबलता में क्या कितना गुना बढ़ जाएगा, तो ये दो गुना बढ़ जाएगा। इसका आंसर आपके हो जाएगा दो। तो ये था आपके विज्ञान के 35 प्रश्न। सामाजिक के जो आपके 35 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी 35 प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको पहले ही बता दिए, आपको लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा आपके गणित के 20 प्रश्नों के उत्तर भी मैंने पहले अपलोड कर रखा है। पूरा पेपर आप देखना चाहते हैं मेट का, सेट का, तो आप जो लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, चेक करना जरूर से, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको कमेंट के माध्यम से आपको जो वहाँ पर इसका उत्तर बता दूंगा, इनकी जो लिंक है वो आपको मैं वहाँ पे भेज दूंगा। तो आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं 180 में से टोटल, वो आपको कमेंट करके बताना। एक वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है कि जिलेवार जो कट ऑफ है वो कितनी रही थी 2023 में, तो उसका वीडियो आप जरूर से देख लेना, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा वो आपके आने वाले वीडियो आपको नहीं मिल पाएंगे, तो उसके लिए आपको चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।